बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, काम कहां तक पूरा हुआ है, ये जानने के लिए हम गुजरात चलेंगे। दिल्ली से सूरत शहर तक का हवाई सफ़र हमने तय कर लिया है और यहाँ यानी कि सूरत में हम ये जानेंगे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ तक पहुँचा है, कब तक पूरा होगा और सरकार की कोशिश यानी कि जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने की जो पूरी कोशिश है वो कितनी कामयाब हो पाई और कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। देश की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए काम जोरों शोरों से चल रहा है। जो गुजरात हिस्से में काम होना है वो शुरुआत तो उसकी हो भी गई है, सिविल वर्क यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों से चल रहा है और फिलहाल हम मौजूद हैं डायमंड वाले शहर यानी सूरत शहर में और यहाँ पर सूरत स्टेशन बनाने के लिए काम लगातार चल रहा है। सूरत वो स्टेशन होगा पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, पूरे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में, जहां पर सबसे पहले स्टेशन बनाया जाएगा और फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन आप देखिए यहां पर जोरों शोरों से चल रहा है। इसको ये जो आप सामने आप ये खंबा रूमा देख रहे हैं इसको पियर बोलते हैं, पियर की कास्टिंग यहाँ पर चल रही है। 48,000 स्क्वायर मीटर में यहाँ पर स्टेशन बनाया जाएगा और ये सूरत स्टेशन इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल डायमंड जैसा है, क्योंकि ये डायमंड का शहर बोला जाता है, इसको डायमंड हब बोला जाता है सूरत को। यही वजह है कि सूरत स्टेशन का जो डिज़ाइन भी है वो भी डायमंड की शेप में है और यहाँ पर उसको बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आप देखें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देश के ही कंपनी L&T इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। तमाम मजदूर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं, सेफ्टी के सुरक्षा के तमाम जो भी ज़रूरी एहतियात है उनको पूरा पालन किया जा रहा है और इसके साथ में ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। अब सूरत स्टेशन की कुछ बारीकियाँ आपको बता दूँ, जैसे बताया कि 48,000 स्क्वायर मीटर में ये मल्टी लेवल स्टेशन यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। मल्टी लेवल से मतलब है कि ये सेकंड फ्लोर तक इसका ये स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन ये दिखेगा कैसे, सुविधाएँ क्या क्या होंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखिए ये है सूरत स्टेशन की झलक, बिल्कुल ये आपको डायमंड के जो डायमंड के पैटर्न होता है उसी पैटर्न को देख करके ये पूरा डायमंड आकार का यहाँ पर ये सूरत स्टेशन है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये सूरत स्टेशन के बिल्कुल डायमंड पैटर्न को पूरा करता हुआ है। और ये देखिए जब बुलेट ट्रेन आएगी तो कुछ यूँ दिखाई देगा, ये प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त यहाँ पर सूरज की रोशनी आएगी, पूरी यहाँ पर रोशनी रहेगी, दिन के टाइम पर आपको कोई आर्टिफिशियल लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का डिज़ाइन है। और अब आप देखिए कि सुविधाएं क्या क्या होंगी, तो सुविधाओं के नज़र से आप देखिए तो इसमें लिफ्ट फैसिलिटी है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन अपने आप से आपका किराया कट जाएगा, टिकटिंग का है, यहाँ पर आप देखिए तो मेल फीमेल टॉयलेट के अलावा लिफ्ट एस्केलेटर ये तमाम सुविधाएँ यहाँ पर दी जाएंगी। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर सेकेंड फ्लोर पर क्या कुछ रहेगा तो वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्टेशन है ये दो इसमें माले होंगे और जो स्टेशन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर कॉन्कोर्स होगा, यात्री सुविधाएं मतलब वहाँ पर यात्री बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं अपनी ट्रेन का, फूड प्लाजा वगैरह होंगे, जबकि जो सेकंड प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पर ट्रेन आएगी। ये एलिवेटेड स्टेशन है यानी कि ज़मीन से उठ करके है और उसी का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। पूरे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के एकदम बीच में ये सूरत स्टेशन बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे पहला वो स्टेशन होगा जो बन करके तैयार होगा। लक्ष्य यही है कि 2024-25 तक इसको बना लिया जाए और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके का काम चल रहा है ये NHRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी।